हेलो फ्रेंड्स, निर्मल स्वाज किचन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ सोयाबीन चाप की रेसिपी शेयर करेंगे। तो फिर बनाना शुरू करते हैं। सोयाबीन चाप बनाने के लिए हमने यहाँ पर सोयाबीन की दाल ली है, और जितनी हमने जिस कटोरी से हम दाल का मेज़रमेंट करेंगे, सेम कटोरी से हम 5 कटोरी यहाँ पर सोयाबीन की बड़िया लेंगे, जिनको हमने ओवरनाइट भिगोया। 4 से 5 घंटे भी हम भिगो सकते हैं। इस प्रकार से हम दोनों चीज़ों का पानी निकाल कर अलग कर लेंगे। इसके बाद मिक्सी के जार में डालकर हम इसका एक फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर आप दाल को, कोशिश करें कि आप दाल को ऐसे ही पीस लें। दाल अच्छे से भीगी हुई होनी चाहिए। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ रही है तो आप इसमें सिर्फ उतना ही पानी डालें जिसमें कि आपकी दाल अच्छे से पिस जाए। बहुत ज़्यादा पानी हमने इसमें नहीं डालना है। जितना कम पानी होगा उतनी ही जो हम सोयाबीन की चाप बनाएंगे वो परफेक्ट बनकर तैयार होगी। इसलिए इस चीज़ का हमने विशेष ध्यान रखना है। दाल को हम इस प्रकार से परात में निकाल लेंगे, या फिर आप किसी भी बड़े बर्तन में इसको निकाल सकते हैं। और सेम जार में हम सोयाबीन की जो वड़ियाँ हैं उनका भी पानी अच्छे से निचोड़ने के बाद हम इसको भी बारीक पीस लेंगे और दोनों चीज़ों को इस प्रकार से निकाल लेंगे। इसके बाद हम आवश्यकता के अनुसार इसमें मैदा मिक्स करेंगे। मैदा मैंने यहाँ पर 1 कटोरी मैदा ली है। आप चाहें तो आधी मैदा और आधा आटा भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, या पूरी मैदा भी इसमें हम डाल सकते हैं। साथ ही हम इसमें 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे। मैदा या फिर आटा जितनी भी क्वांटिटी में आप इसमें डालना चाहते हैं। इस प्रकार से सब चीज़ों को मिक्स करते हुए हमने इसका एक रोटी जैसा डो लगाकर तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा करके इस प्रकार से हम इसमें आटा या मैदा दोनों चीज़ों को मिक्स करते जाएंगे और इसका एक डो लगाकर तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, जब भी हम चाप बनाएं तो हमने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी हम चाप बनाकर तैयार कर रहे हैं उसमें हम पानी, जब दाल को और सोयाबीन की वड़ियों को पीसेंगे तो बहुत ज़्यादा पानी इसमें ना डालें। आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट जो रोटी जैसा आटा है इसका लगकर तैयार हो गया है। दूसरी ओर अब हमने सबसे पहले एक गैस पर बाउल रखेंगे और उसमें पानी को उबलने के लिए रख देंगे। दूसरी ओर हम चाप बनाकर तैयार कर लेते हैं। चाप में लगाने के लिए हम सूखे मैदा का यूज़ कर रहे हैं। आप आटे का भी यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। इस प्रकार से हम इसकी एक रोटी बनाकर तैयार कर लेंगे। जो हम इसके लिए रोटी बनाकर तैयार करेंगे वो ना ही बहुत ज़्यादा मोटी होगी, ना बिल्कुल बारीक होगी। एक नॉर्मल जैसी हम रोटी बनाकर अपने घर में तैयार करते हैं, सेम वैसा ही हमने इसकी मोटाई रखनी है। इसके बाद हम चाकू की हेल्प से इसको इस प्रकार से स्ट्रिप इसकी कट कर लेंगे। कोशिश करें जो स्ट्रिप्स हम इसकी कट कर रहे हैं वो इकसार हों, इससे जो चाप है वो बहुत अच्छी बनकर तैयार होती है। यहाँ पर हमने आइसक्रीम स्टिक्स ली हैं, जो आपको किसी भी शॉप पर मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती है। इस प्रकार से इसके जो लास्ट सिरा है उसे इस प्रकार से लगाते हुए हम सब स्ट्रिप्स को इस स्टिक के ऊपर लपेट देंगे। आप चाहें तो स्ट्रिप्स के बीच में दोनों सिरों को जोड़ने के लिए इस प्रकार से हम पानी लगाकर इसका यूज़ करेंगे और इसको इस प्रकार से स्टिक के ऊपर लपेटते जाएंगे। अगर आप स्टिक से एक स्ट्रिप से दूसरी स्ट्रिप को चिपकाने के लिए पानी का यूज़ नहीं करेंगे तो वो पानी में डालने के बाद खुल जाएगी। सेम इसी प्रकार से हम सभी चाप को बनाकर चाप स्टिक्स को तैयार कर लेंगे। एक चाप स्टिक आपको यहाँ पर और बनाकर दिखा देते हैं, ताकि जब आप अपने घर में चाप को बनाएं तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसको बना सकें। सेम इसी प्रकार से हम सभी स्टिक्स को बनाकर तैयार कर लेंगे। जो ये चाप है ये होममेड चाप है, और इसको बनाने में मैं ये तो नहीं कहूँगी बहुत कम समय लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ समय भी नहीं लगता है। और आप बहुत कम पैसों में बहुत सारी चाप अपने घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। वैसे भी जो घर में हम चीज़ें बनाकर तैयार करते हैं वो तो वैसे भी फ्रेश होती हैं। इन स्टिक्स को बनाने के बाद आप डीप फ्रीज़र में 3 से 4 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे कि हम मार्केट से जो चाप का पैकेट लेकर आते हैं उसको आप काफ़ी लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। सेम इसी प्रकार से डीप फ्रिज में हम इसको किसी भी कंटेनर में, एयरटाइट कंटेनर में रखकर स्टोर कर सकते हैं। दोस्तों, जो हमने गैस पर पानी को बॉयल होने के लिए रखा था, एक तरफ हमारी स्टिक्स बन गई हैं और पानी अच्छे से आप देख सकते हैं अच्छे से खोल रहा है। हमने इसी स्थिति में पानी को लाना है, इतना ही गर्म तेज़ पानी करना है, और जो स्टिक्स बनाकर तैयार की हैं उनको इस प्रकार से हम खोलते हुए पानी में डाल देंगे। डालने के बाद हम इसको हाई फ्लेम पर ही पकने देंगे। आप चाहें तो ढक्कन बंद भी कर सकते हैं, इसको ढक भी कवर भी कर सकते हैं लिड से, या फिर ऐसे ही इसको उबलने दीजिए और दूसरी ओर जो बाकी की बची हुई स्टिक्स हैं उनको भी बनाकर तैयार कर लेंगे। ये दोनों प्रोसीजर आप सेम टाइम में एक साथ कर सकते हैं। थोड़ा उबलने के बाद जब 2-3 से 4 मिनट के बाद स्टिक्स को, जो चाप की स्टिक्स हैं उनको हम इस प्रकार से अलटते पलटते रहेंगे।
करीब 10 मिनट में हमारा एक बैच बनकर तैयार हो जाता है। आप चाहें तो बड़े बाउल में भी इसको बना सकते हैं, उसे आप कंफर्टेबली जल्दी बनाकर इनको तैयार कर सकते हैं। करीब 10 मिनट के बाद मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ हम इसको चेक किस प्रकार से करेंगे। इस प्रकार हम इसमें फॉर्क डालेंगे या फिर चाकू की हेल्प से भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये हल्का हल्का अभी फॉर्क के ऊपर चिपक रहा है, तो वापस हम इसको पानी में डाल देंगे और उबलने देंगे। करीब 3 से 4 मिनट के बाद वापस हम इनको चेक करेंगे। जो पानी की क्वांटिटी इसमें कम हो जाती है, तो जब आप नेक्स्ट बैच इसमें डालें तो थोड़ा पानी और डालकर दोबारा से पानी को खोलने दें। इन छोटी छोटी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। इसके बाद आप बिल्कुल मार्केट से भी अच्छी चाप घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। चाप को बॉयल होते हुए 2 से 3 बार हमने इस प्रकार से इसको पलटते रहना है, और जब चाप हमारे फॉक के ऊपर ना चिपके तब हम इसको इस प्रकार से किसी भी पकड़ की या फिर चिमटे की हेल्प से इसको निकाल लेंगे। पानी इसमें हाथ ना डालें बिल्कुल भी, क्योंकि हाथ जलने का डर रहता है। भगोने में पानी कम रह गया तो और पानी डालकर हम इसको वापस खोलने लेंगे और बाकी की बची हुई चाप भी इसके अंदर इसी प्रकार से डालकर तैयार कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हमने जो नेक्स्ट प्रोसीजर हमारा है, जैसे ही हम चाप को गर्म बाउल से निकालेंगे, पानी से निकालेंगे, साथ ही हमने यहाँ पर दूसरे भगोने बर्फ का पानी बनकर तैयार करके रखा हुआ है, 5 से 10 मिनट तक हम चाप को उसके अंदर डाल देंगे। और इस प्रकार से मैं आपको दिखाती हूँ हमारी चाप जो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो गई है। मैं इसको आपको कट करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं बिल्कुल मार्केट जैसी चाप हमारी बनकर तैयार हुई है। आप इस प्रकार से इन चाप को करीब 3 से 4 महीने तक स्टोर करके डीप फ्रीजर में रख सकते हैं। जब भी आपका मन करे आप इसे तंदूरी चाप या फिर मलाई चाप या चाप की जो सब्जी होती है आप कुछ भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तंदूरी चाप की रेसिपी ऑलरेडी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं कि हम मलाई चाप की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करें तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इस प्रकार स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप चाप बनाकर अपने घर में तैयार ज़रूर कीजिएगा। अपने एक्सपीरियंस हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, और अगर किचन से रिलेटेड आप कोई भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।